गुड आफ्टरनून ऑल यू गुड आफ्टरनून ऑल गुड आफ्टरनून हर्षिता पार्थ स्वयं मंसरी यश क्षितीश सागर ओके गुड चलो बेटा तो आज का हम लोग न्यू सेशन जो है न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं ओके okay. पास्ट सेशन में काफ़ी अच्छा रिस्पांस था बेटा आप लोगों का बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट किए हैं ओके okay. और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही साथ बेटा यहाँ पे एक्चुअली जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है इसमें अभी हमें न्यू चैप्टर जो स्टार्ट करना है वो हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज के इस लेक्चर में हमारे जो फोकस रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन पर ओके okay. तो सबसे पहले बेटा थोड़ा सा ह्यूमन फिजियोलॉजी जो जो है इसके जो है इसके कोर वो हम देख लेते हैं और पास्ट लेक्चर में जो स्टडी किए उसको कनेक्ट करते हुए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअली हम लोगों ने अभी तक के क्या स्टडी किए ओके तो देखिए बेटा जैसे कि आप जानते हो ह्यूमन की लाइफ एक्टिविटीज जो है वो कैसे मेंटेन होंगे तो कंप्लीटली बेटा यदि यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी का एक में यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो ये कंप्लीटली जो ह्यूमन बॉडी है ये किससे बना है बेटा ये बना है सेल से ठीक है जैसे एक बिल्डिंग छोटे-छोटे ईटों से बनता है इसी तरह से हमारा ये जो बॉडी है ये किससे बना है सेल्स से मीन सेल्स जो होती है ये फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की अब इस सेल्स को यदि लाइव रहना है तो सेल्स को लाइव रहने के लिए बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नीड होती है सेल के लिए वो है एनर्जी की ओके इस सेल को लाइव रहने के लिए क्योंकि सेल लाइव रहेगा तब जाके ही ह्यूमन बॉडी हम लोग लाइव रह पाएंगे ओके okay. अभी इसके बाद यहां पर जो सेल्स हैं, इसको जो एनर्जी चाहिए वो कौन सी एनर्जी चाहिए बेटा लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी बताएंगे नो no बेटा ना तो लाइट एनर्जी चाहिए ना ही हीट एनर्जी चाहिए ऑनली इससे जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी है वेरी गुड नो सागर गुड स्वयं केमिकल एनर्जी चाहिए इसे केमिकल या फिर बायो केमिकल एनर्जी जो हमें किस फॉर्म में मिलेगा बेटा एटीपी के फॉर्म में मिलेगा एटीपी इज द बायोलॉजिकल यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बट बेटा ये सेल जो है इस एनर्जी को ये जो सेल्स है इस एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करेगा कैसे एटीपी बनेगा ठीक है तो ऑब्वियसली बेटा एटीपी बनाने के लिए इस पर्सन को क्या चीज चाहिए फूड खाना पड़ेगा है ना फूड खाएगा उसके बॉडी में जाएगा डाइजेस्ट होगा फिर एबजॉर्ब होगा तब जाके ही वो पास होगा देन उसके बाद एनर्जी बनेगी तो ये कैसे ये प्रोसेस हो रहा है तो इसके लिए बेटा हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टडी किए हैं ओके क्या हम लोगों ने स्टडी किए यहाँ पर यहाँ पर हम लोगों ने जो स्टडी किए हैं इसमें हम लोगों ने पास्ट लेक्चर में क्या चीज बेटा इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी किए हैं, ठीक है समझे गए हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी किए फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद फाइनली क्या हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में ये फूड जो है ये आया फूड जो है कहाँ पहुँचा बेटा ये फूड सब्सटेंस हमारे स्टमक में पहुँचा इंटेस्टाइन में पहुँच गया अब जैसे ही फूड हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच गया पहुंचते ही फाइनली फूड जैसे हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचा अब क्या होगा अब यहां पर जो होगा बेटा वो होगा एबजॉपन ठीक है अब यहाँ पे ये जो एबजॉप की यदि हम बात करें तो ये जो फूड है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स ये फूड हमारे ब्लड में आ गया कहा आ गया फूड हमारे ब्लड में आ गया तो ये फूड जो बेटा एक सिंपल फॉर्म में इस तरह से हमारे ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ पहले तो डाइजेस्ट हुआ ना बेटा तो डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे ब्लड में पहुंच गया है अब ये जो ब्लड है इस ब्लड की हेल्प से यहाँ पे अब क्या होगा बेटा ये फूड ट्रांसपोर्ट होगा ट्रांसपोर्ट होके फाइनली ये जो फूड है हमारे वेरियस टाइप के सेल्स एंड ऑर्गन एंड टिश्यूज जो है वहां तक के पहुँच जाएगा। अब जब ये वेरियस टाइप के सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन तक के यदि पहुंचा तो इस तरह से सपोज ये हमारी सेल्स है जिसको एनर्जी चाहिए तो ये जो हमारी सेल्स है इसे एनर्जी चाहिए तो अभी ये जो फूड जो है वो इस सेल्स तक के क्या होगा बेटा डिफ्यूज हो जाएगा हो गया डिफ्यूज तो क्वेश्चन ये है कि सेल्स तक के ग्लूकोज कैसे पहुंच रहा है तो क्वेश्चन ये है कि ब्लड में ग्लूकोज कैसे आया तो दो चीज देखे बेटा एक तो ब्लड में ग्लूकोज को चाहिए हमको तो पहले तो जो फूड हम खा रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको ब्रेक करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में सिंपल फॉर्म में जैसे ही फूड फाइनली ब्रेक डाउन हुआ तो अभी क्या हुआ बेटा हमारे बॉडी में वो एब्जॉर्ब होगा तो ब्रेकडाउन के लिए यहाँ पे एक सिस्टम काम किया उस सिस्टम को कहते हैं तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ जो फूड है उसका ब्रेकडाउन हुआ और सिंपल फॉर्म में एबजॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ दैट इज द ग्लूकोज ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अभी क्या हुआ बेटा हमारे सेल्स तक के ये फूड पहुंच गया तो कैसे एनर्जी बन बन गई मिल गई सेल्स को एनर्जी मिल गया कैसे नहीं बेटा क्योंकि जब तक ये कोई भी चीज को बर्न नहीं किया जाए तब तक के उसमें से हम एनर्जी को नहीं निकाल सकते मींस यहां पर ये जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज को बर्न करना पड़ेगा तो बर्न करने में यहां पे इन्वॉल्व होगा ऑक्सीजन ठीक है चलो ये पोर्शन हटा के मैं आपको समझाता हूँ बेटा ये है ग्लूकोज और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ बर्न करना पड़ेगा और जब फाइनली बर्न होगा तो बर्न के बाद यहां से जो रिलीज होंगी एनर्जी ये एनर्जी बेटा ना तो लाइट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है और ना ही हीट के फॉर्म में यहां से जो एनर्जी बनेगा सेल्स के पास वो एनर्जी जो है बेटा एटीपी के फॉर्म में बनेगा तो बेटा अब यहां पे ये ऑक्सीजन जो है ये इस ग्लूकोज तक के कैसे पहुंचेगा क्वेश्चन तो ये भी है ठीक है तो ऑब्वियसली बेटा इस ग्लूकोज तक के ऑक्सीजन ये भी कहां से ब्लड की हेल्प से ही पहुंचेगा क्योंकि ब्लड की हेल्प से ग्लूकोज सेल्स तक के जो पहुंचा है वो ब्लड की हेल्प से पहुंचा है तो ऑक्सीजन भी पहुंचेगा तो क्वेश्चन ये है कि इस ब्लड में ऑक्सीजन कैसे आएगा तो इस ब्लड में ऑक्सीजन कैसे आएगा और वो कैसे एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होगा तो इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर का स्टार्ट करें हैं उसे कहते हैं क्या चीज बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम ओके okay. क्या पढ़ने वाले बेटा हम यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेरियस एनिमल्स में कैसे होते हैं और स्पेशली यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे क्या देखेंगे बेटा हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है ये हम समझेंगे अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की यदि हम बात करें बेटा तो इसमें सबसे पहले तो देखो बेटा पहली चीज तो यहाँ पे ये एक पर्सन हो गया ठीक है अब ये जो पर्सन है तो इस पर्सन के पास पहली चीज तो ऑक्सीजन को हमको पहुंचाना है तो ऑक्सीजन जो है वो कैसे इस पर्सन के पास जा रही है तो आपको मालूम बेटा हमारी बॉडी जो है, है।, है, है स्टडी किए थे तो बेटा तो यदि हम इस कैविटी की हम बात करें तो इस तरह से हमारा बॉडी जो है इनसाइड बॉडी ऐसा ये जो कैविटी हमारे बॉडी में है तो यहाँ पे एक मसल्स होती है जो हमारे इस बॉडी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है बेटा इस मसल को क्या कहते हैं बेटा डायफ्राम डायफ्राम के जो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ठीक है डायफ्राम का अपर वाला जो पार्ट होगा ये क्या कहलाएंगा बेटा अपर पोर्शन ये हो जाएंगे बेटा हमारी थोरेसिक कैविटी और ये बेटा डायफ्राम का जो लोअर वाला पोर्शन है ये क्या हमारा एब्डोमिनल कैविटी तो में थोरेसिकोकेटेड है में क्या है है बेटा? बेटा। हमारे उसके नीचे अगेन एक और आती उस को कहते हैं पेल्विक कैविटी जहां पर हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन ओके तो अभी यहां पे देखिए बेटा क्या चीज जैसे कि मैंने यहां पे जो डायग्राम आप लोगों को जो बताया तो इसमें पहली चीज तो क्या हो रहा है फर्स्टली ये जो पर्सन है यहां से ब्रीथ किया ब्रीथ करके जो भी एयर है उसके लंग्स तक के पहुंचा मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कहां तक के पहुंचेंगे बेटा लंग्स तक के लंग्स में जाने के बाद वो कहा जाएंगी उसके पर्सन के ब्लड में ब्लड में जाने के बाद वो कहा जाएंगी उस पर्सन की सेल्स में अब सेल्स में पहुंच गई है ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ब्लड सेल्स में पहुंच गया है ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ब्लड तो जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिली ग्लूकोज की ब्लास्टिंग हो गई ब्रेक हो गया और उससे बनेगा एनर्जी क्या बनेगा उससे बेटा एनर्जी लेकिन बेटा इसी टाइम पे जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो इस टाइम पे बनता है एक मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है तो इस तरह से बेटा यहां पर एक प्रोसेस होती है प्रोसेस क्या हो रही है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से रिमूव किया जा रहा है और ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में इंटेक किया जा रहा है इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा जो एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव आउट, ऑक्सीजन इनहॉल हो रही है क्या ये ये कहलाता है ब्रीथिंग इसको कहते हैं बेटा ब्रीथिंग कॉमनली बेटा इसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग यही पोर्शन जो है वो स्टडी करने वाले ओके okay, उम्मीद करता हूं इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स जो है सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किसी का कुछ पोर्शन डाउट है नहीं समझा होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो एवरीथिंग इज क्लियर इफ यस सो हम आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं वेरी गुड बेटा Great. बहुत बढ़िया तो अभी आगे का पोर्शन हम देखेंगे बेटा यहाँ पर तो आगे का ये जो पोर्शन है इसमें हम लोग सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की यदि हम बात करें बेटा तो सबसे पहले इसमें क्या आता है बेटा नोज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे नोज से ठीक है नोज मीन यहां पे हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ओके वो हम देख रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद जैसे ट्रैकिया आता है ब्रोंकाई आता है ब्रोंकियल ट्री बनता है फाइनली एल्वियोलाई रहता है तो इसमें देखिए अब हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है ओके हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है तो इसमें पहली चीज तो हम लोगों ने जो देखे कि ब्लड में क्या आ रहा है बेटा ऑक्सीजन आ रहा है हमको एक चीज पता है बेटा कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या कर रहा है इसकी हेल्प से ब्लड में हमारा जो फूड सब्सटेंस है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया हो गया इस तरह से ट्रांसपोर्ट तो एज इट इज बेटा ये हमारा जो है ये ट्रैकिया हो गया ये आगे अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा इस तरह से फिर इस तरह से यहाँ पे ये लंग्स रहेंगे फिर इन यदि हम देखते हैं तो इसमें बेटा इसका जो फंक्शनल यूनिट जो होता है ये हो गई एल्बियोलाइज एक एल्बियोलाई को मैं इस तरह से बना रहा हूं बेटा ठीक है ये हो गई एल्बियोलाई अब ये जो एल्बियलाई है बेटा तो इसी के साथ साथ यहाँ पे इस तरह से अगेन ये जो हमारा ब्लड है समझ रहे हो तो ये जो ऑक्सीजन जो यहाँ पे आया है क्या चीज ऑक्सीजन जो कहां पे बेटा इस तरह से यहाँ से एलवई तक के पहुंचा है तो इस एलव के पास आते ही ऑक्सीजन इधर और कार्बन डाइऑक्साइड वापस इधर आएगा पर भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है बेटा फाइनली हमें जो चाहिए ऑक्सीजन वो पहुंच गया ब्लड में तो क्वेश्चन ये है बेटा कि लंग्स तो यहाँ पर है और हमारा बॉडी का सेल्स यदि इधर है तो यहां से यहां तक के और यहाँ से फूड को यहाँ तक के और यहाँ से ऑक्सीजन को यहाँ तक के हम कैसे पहुंचाएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लड पहुंचाएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैसे पहुंचाएंगे तो यहां पे कौन सा कंसेप्ट काम करता है जिसकी वजह से फाइनली क्या कह सकते हैं हम लोग ऑक्सीजन को हम लोग पहुंचा सकते हैं तो इसके लिए बेटा एक सिस्टम काम करता है उस सिस्टम को कहते हैं क्या कहेंगे उस सिस्टम को उस सिस्टम को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बेटा ये क्या करेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा एक तो फूड के ट्रांसपोर्ट को पर्टिकुलर एक सेल तक के फूड पहुंचाना है पर्टिकुलर एक ऑक्सीजन तक को भी उस सेल तक के पहुंचाना है उस सेल्स के पास जो बना है कार्बन डाइऑक्साइड उसको हमको बाहर पहुंचाना है यदि हमारे जो यूरिन का यदि पोर्शन है वो हार्मफुल है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना है ठीक है तो इसमें इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले होगा वो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन ये चैप्टर हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे जिसमें और भी बहुत सारे कंसेप्ट जो हमें समझ में आएंगे ओके तो इस तरह से बेटा ये जो प्रोसेस हो रही है ठीक है इसमें बहुत सारे सिस्टम मिलके काम कर रहे हैं बेटा जिसको कॉमनली हम कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्सक्रेटरी सिस्टम है और उससे बनेगा एनर्जी उसको कहते हैं बेटा हम एक चैप्टर में स्टडी करेंगे मायोलॉजी जिसमें हमलेटल सिस्टम क्या है मसल्स क्या होती है कैसे हम मूवमेंट कर पाते हैं ये सारा पोर्शन हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे ओके okay, तो एक काम करते हैं बेटा आज का इस सेशन को हम एक वंडरफुल वनिमेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं ठीक okay, है और अब बेटा ये एनिमेशन ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करने में हेल्प करेगा ठीक है आगे चल के बेटा वो सारे पोर्सन हम पढ़ेंगे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हमारी क्लियर नहीं हुई है बहुत सारा पोर्सन अभी हमें पढ़ना है ओके okay, लेकिन फिर भी देखिए आज पहले विजुअलाइज कर लो थोड़े थोड़े कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे फिर ये विजुअलाइज होने के बाद फिर आगे आप लोगों को क्या चीज़ इसमें आपको साउंड भी शेयर कर रहा हूँ मैं सारी चीजें रहेंगी इसमें तो बहुत मजा आएगा तो एक एक पार्ट समझ लो कैसे यहाँ पे पोर्शन होता है और उसके बाद फिर मैं आपको और इसका एंटायर कंसेप्ट जो है समझाता हूँ To understand the process of breathing, in humans, the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. In the thorax region, the rib cage and a dome shaped fibrous tissue known as the diaphragm are observed. Present within the rib cage are the pleural membranes which enclose the lungs. The right lung is divided into three lobes the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only two lobes the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi. Which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C shaped rings of cartilage which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood containing RBCs is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs and a transition in their color from bluish purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus. which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils so the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation after the contraction of muscular diaphragm the lungs expand and the air rushes in resulting in the inflation of alveoli during exhalation the diaphragm moves up and the lungs contract thus the alveoli deflate causing the air to be forced out this exhaled air is rich in carbon dioxide this process of inhalation and exhalation is known as respiration which is approximately 20 times per minute summary in the thorax region the rib cage and the diaphragm are observed which play a vital role in respiration Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung consists of three lobes, while the left lung has only two lobes. Both the lungs are associated externally with bronchi. Which unite and extend into the trachea. As we breathe, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. As blood flows through the capillaries, the oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary. This causes oxygenation of the RBCs. के तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें थोड़ा सा तो भी समझ में आया होगा ओके okay. तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट जो देखे ठीक है तो इसमें पहली चीज तो क्या चीज कैसे ब्रीथ हम कर पा रहे हैं ठीक है और किस तरह से बेटा ऑक्सीजन का एक्चुअली यहाँ पे रोल होता है वो हम यहाँ पे समझेंगे ठीक है जो पोर्शन मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले पढ़ा पढ़ाया था वही मैं स्लाइड में बता रहा हूँ बेटा देखिए क्या चीज पहली चीज तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा ऑक्सीजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इनडायरेक्टली बेटा जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स है न्यूट्रिएंट्स मींस ग्लूकोज ओके ग्लूकोज जो है उसे क्या कर रहा है ब्रेक कर रहा है ब्रेक करने के बाद फाइनली इससे जो बनेगा एनर्जी जो ह्यूमंस की वेरियस एक्टिविटी में क्या होगा इन्वॉल्व होगा ओके okay. वॉइस प्रॉब्लम कितने लोगों के साथ आ रहा है बेटा अभी चेक करेंगे बेटा मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है नो no प्रॉब्लम बेटा जिसके साथ प्रॉब्लम है रीजवाइन कर लो आप लोग क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके निशांत बेटा आप क्लास लेट ज्वाइन किए थे क्या एक काम करना आप वीडियो लेक्चर से जो पोर्शन रह गया मिस हो गया वो देख लेना ओके नाउ नो प्रॉब्लम हाँ बेटा ठीक चलो तो कंटिन्यू करते हैं हम आगे का बट डायरेक्टली ऐसा नहीं बेटा इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करेंगे और फाइनली यहाँ से जो रिलीज होंगी एनर्जी जो ह्यूमन की वेरियस एक्टिविटी में इसका क्या होगा बेटा यूटिलाइजेशन होगा ओके okay. फाइनली बेटा देखिए यहाँ पे अब जब ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बेटा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है उसको बेटा फाइनली क्या होगा हमारे बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी है तो इस तरह से बेटा कंटिन्यूसली ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा एक पर्टिकुलर सेल्स को ओके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूज होगा जो हमारे बॉडी से बाहर निकल दिया जाएगा तो इस तरह से बेटा ये जो प्रोसेस है कौन सा प्रोसेस बेटा एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उसे अभी हो सकता है कि वाइस फ्लक्चुएट हुआ होगा इस टाइम पे एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ अभी ओके हो गया होगा यहाँ पे बेटा यही पोर्शन जो है मैंने आप लोगों को बेसिक पार्ट में रिवाइज कराया था और वही पार्ट यहाँ पे अगेन बताया क्या चीज बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये एक्सचेंज होता है इस फिनोमिना को ब्रीथिंग कहते हैं अब ब्रीथिंग बेटा तो अब ये जो रेस्पिरेशन है यदि हम लोग रेस्पिरेशन की हम बात करें तो रेस्पिरेशन जो है इसमें एक्चुअली कौन सा क्या प्रोसेस आता है तो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है उसको समझते हैं बेटा सबसे पहले हम लोग तो ब्रीथिंग की यदि हम प्रोसेस देखें बेटा तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ओके okay, ये एक पर्सन है अब यदि हम इस पर्सन की बात करें तो अब ये पर्सन जो है सबसे पहले क्या करने वाला बेटा विद द हेल्प ऑफ नोज ब्रिथ इन करेगा ब्रिथ इन करने के बाद फाइनली ये जो एयर है कहा पहुंची उसके लंग्स तक के पहुंची फिर लंग्स में जाने के बाद यही जो एयर है ये कहाँ जाएगा बेटा उसके ये जो एयर है उसके ब्लड में एक्सचेंज होगा तो देखिए बेटा पहली चीज तो ये वाला जो पोर्शन हम जो देख रहे हैं ये वाला ध्यान रखना तो ये जो है इस फिनोमिना को वेंटिलेशन कहते हैं ठीक है थीके? और हम ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जितना भी जो टर्म यूज होता है वो कहलाता है बेटा पल्मोलरी इसमें जो स्पेशलिस्ट जो बनता है वो कहलाता है पल्मोलॉजिस्ट तो यहाँ पे हम जो समझेंगे बेटा ये क्या कहलाएंगे बेटा पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या कहलाएंगा ये पल्मोनरी वेंटिलेशन थोड़ी देर के बाद स्लाइड में मैं एक एक की वर्ड जो है वो डिस्प्ले करूंगा अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो क्या कहलाएंगा बेटा ये पल्मोनरी वेंटिलेशन पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होगा बेटा हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तो ब्रीथ इन हमने किया तो ऑक्सीजन जो है वो कहां तक किया गया बेटा हमारे लंग्स तक किया गया और ब्रीथ आउट में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से बाहर हुआ तो बेटा ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है कहां से कहां तक के बेटा एटमोस्फेरिक एयर से लंग्स तक के और लंग्स से डायरेक्टली बाहर तक के जो जा रहा है इस फिनोमिना को कहते हैं पल्मोलरी वेंटिलेशन क्या कहते हैं बेटा इस फिनोमिना को इसे कहते हैं पल्मोलरी वेंटिलेशन ओके पल्मोलरी वेंटिलेशन याद रखोगे आप लोग वेंटिलेशन के, बाद, आता है, diffusion. Diffusion के पहले यहाँ पर क्या देखो डिफ्यूजन मींस क्या हो रहा यहाँ पर? तो में देखो, ये जो की है और ये ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन है दिखाई दे रहा है बेटा आपको तो यहां से फाइनली इधर तक के और यहां से फाइनली इधर तक के जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है इस फिनोमिना को क्या कहेंगे बेटा डिफ्यूजन कहेंगे हमारा नंबर वन प्रोसेस क्या था बेटा वेंटिलेशन नंबर टू क्या होगा बेटा डिफ्यूजन डिफ्यूजन होने के बाद ऑक्सीजन पहुंच गया हमारे ब्लड में ब्लड में पहुंचती है क्या होने वाला है बताओ ट्रांसपोर्ट होगा अभी अब क्या होगा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा तो ट्रांसपोर्ट में अब जो ऑक्सीजन है हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाके जो सेल्स को नीड है वहां तक के पहुंच गया Means इस फिनोमिना को क्या कहेंगे बेटा ट्रांसपोर्ट कहेंगे क्या कहलाएंगा ये, ये कहलाएंगा ट्रांसपोर्ट ओके okay. गैसेस ट्रांसपोर्ट हुआ अब ट्रांसपोर्ट होने के बाद देखो ये ब्लड वेसल्स की हेल्प से कहा तक के पहुंचा जैसे सपोज यहां तक के ये ऑक्सीजन जो है पहुंच गई है अब ऑक्सीजन यहां तक के पहुंचने के बाद अब जैसे कि सपोज ये हमारा सेल्स है और ये टिश्यूज है यहां से अब ये फिर से एक्सचेंज होगा इस तरह से टिश्यू के कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाएगा जाएंगे ब्लड का ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू के पास पहुंच जाएगा तो फिर से यहां पे डिफ्यूजन हो रहा है अगेन डिफ्यूजन डिफ्यूजन हो रहा ना तो फर्स्ट प्रोसेस क्या क्या थी जल्दी से बताओ वेंटिलेशन क्या था डिफ्यूजन। थर्ड क्या आएगा ट्रांसपोर्ट फोर्थ क्या आएगा अगेन डिफ्यूजन और फाइनली लास्ट जो रहेगा फिफ्थ नंबर क्या होगा बताओ अब वो जो सेल्स है वो क्या करेगा बेटा यूटिलाइज करेगा ठीक है अभी वो जो सेल्स से है वो क्या करेगा बेटा यूटिलाइज करेगा मींस यहां पे इस सेल्स तक के जो ऑक्सीजन पहुंचा है उसको क्या करेगा बेटा यूटिलाइज करेगा तो यूटिलाइजेशन हुआ तो इस तरह से बेटा ये जो रेस्पिरेशन है इसमें कुछ इस तरह का स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होता है हाँ गुड एसीमुलेशन तो अब देखो वन बाय वन हम समझते हैं पहली चीज तो बेटा ब्रीथिंग इससे कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन ठीक है जब आप हायर एजुकेशन में पहुंचोंगे तो वहां पे आप ब्रीथिंग टर्म यूज नहीं करोगे वहां पे आप क्या बोलोगे बेटा पल्मोनरी वेंटिलेशन ओके जिसमें क्या हो रहा है एटमोस्फेरिक एयर एटमॉस्फेरिक एयर जो है क्या कर रहा है बेटा एटमोस्फेरिक एयर जो है फाइनली एल्बुलर तक के एलवी तक के पहुंच रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है उसको वहां से बाहर किया जा रहा है फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है क्या होगा डिफ्यूजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एल्बुलर मेम्ब्रेन में क्या होगा एक्सचेंज होगा एक्सचेंज होने के बाद फाइनली नेक्स्ट क्या होगा बेटा गैस का ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड में ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने के बाद अगेन फिर से डिफ्यूजन होगा पर होगा बेटा डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन अगेन तो जो है वो बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज होगा और उसके बाद फाइनली बेटा क्या होगा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा ठीक है सेल्स में जहां पे होंगे कैटाबॉलिक रिएक्शंस जिसकी वजह से ग्लूकोज टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एटीपी भी यहां पर इस प्रोसेस में बनेगा और सेल्स को मिल जाएगी एनर्जी क्लियर हुआ समझा ये हेलो ग्रेट चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग तो यहां पे अभी हम लोगों ने रेस्पिरेशन में क्या क्या वेरियस टाइप का स्टेप्स इन्वॉल्व होता है ये समझे अभी यहाँ पे अगेन बेटा हमको अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो कौन से हैं और वो क्या कर रहे हैं वो समझना है ठीक है क्या देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन हाँ बेटा ठीक है सिर्फ लंग्स की बात नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर ठीक हम डिफरेंट एनिमल जो है उसमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं okay, तो है, तो है, इसको डिफरेंट फाइलम में जो डिवाइड किया जिसमें सबसे पहले आता फाइलम पोरीफेरा पूरी फेरा इसको क्यों कहते हैं बताओ क्योंकि तो इसकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते तो पोर बियरिंग एनिमल हो गया जिसमें आपने नाम सुने होंगे स्पंजेस तो तो फिर उसके बाद आता बेटा प्लेटी हेलमिंथस आएगा ठीक है प्लेटी हेलमिंथस के बाद फिर और लेवल बढ़ाते बेटा फिर फाइनली इंसेक्ट आ जाएगा इंसेक्ट के बाद फिर क्या आता बेटा जैसे ऑर्थोपोड्स की हम बात कर सकते हैं उसके बाद फिर क्या आता है और लेवल बढ़ाते जाओ मॉलुस का फिर फिशेस रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स है हा ना हाँ तो अभी यहाँ पे फाइनली ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ते गए हाँ बेटा वेरी गुड टेंथ में पढ़े हो ना हाँ तो वही हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं एक बार तो सबसे पहले बेटा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ठीक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब जो लोअर एनिमल होते हैं इनकी बॉडी में सिर्फ जो बॉडी सेल्स है इनके बीच में ही गैसेस एक्सचेंज होता है जिसको क्या कहते हैं बेटा डिफ्यूजन क्या कहेंगे ऐसे डिफ्यूजन कहेंगे डिफ्यूजन की हेल्प से सिर्फ क्या होगा इनकी बॉडी में सिंपल गैसेस एक्सचेंज होगा लेकिन बेटा अर्थवॉर्म की हम बात करते हैं अर्थ okay. वार्म की यदि हम बात करें या फिर हम फ्रॉग की हम बात करते हैं तो इसमें बेटा इनका जो बॉडी में जो स्कीन प्रेजेंट होता है तो स्किन की हेल्प से गैसियस एक्सचेंज होगा तो इस तरह का जो गैसियस एक्सचेंज इस टाइप का जो रेस्पिरेशन है उसे क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन कहते हैं क्यूटिकल लेयर के थ्रू हो रहा है ना बेटा तो ये क्या कहलाएंगा बेटा क्यूटिकल रेस्पिरेशन दो रेस्पिरेशन के टाइप बता दिया बेटा मैंने आपको ना हाँ, एक हो गया डिफ्यूजन और दूसरा क्यूटिकल डिफ्यूजन हाँ मोस्ट स्किन होती है अर्थवान फ्रॉक की तो उसकी वजह से स्किन की हेल्प से क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है थोड़ा सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और, और बढ़ा देते हैं हम लोग हम लोग आ जाते हैं अब इंसेक्ट में अब बेटा देखिए जो एनिमल छोटे हैं ओके जो एनिमल छोटे हैं अच्छे से नहीं लिखाया देखो इनसे की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे एनिमल बेटा जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एकदम स्मॉल था ठीक है ऐसे एनिमल जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या एकदम स्मॉल है तो उनमें तो चल जाता है क्या डिफ्यूजन की हेल्प से एक्सचेंज होना लेकिन हम लोग यदि यहाँ पर इंसेक्ट की हम बात करें तो बेटा इंसेक्ट तो थोड़ा सा डेवलप हो गया ना उसका बॉडी कुछ इस तरह से कम्प्लीटली डेवलप हो गया ठीक है अब गंदा सा डायग्राम बनाया मैंने समझ लो थोड़ा सा ठीक है वैसे भी मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बेटा तो यहाँ पे एक एनिमल या किसी बर्ड की यदि हम बात करें जिसमें हम क्या कह सकते हैं बेटा उसका जो बॉडी डेवलपमेंट हो गया तो बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बेटा उसमें एनिमल में इस तरह से एक ट्यूब बन जाएंगी और उस ट्यूब की हेल्प से क्या होगा बेटा गैसेस मटेरियल एक्सचेंज होगा इस तरह से बॉडी का यदि आउटर स्ट्रक्चर है तो इनसाइड में ट्यूब जो है इसकी हेल्प से क्या होने वाला बेटा एक्सचेंज होगा मीन्स इससे जो कहते हैं वो कहलाता है बेटा ट्रैकिअल ट्यूब क्या कह ये ट्रैकिअल ट्यूब ट्रैकिअल ट्यूब।, ट्यूब की हेल्प से क्या होगा अभी यहाँ पे ब्रीथिंग हो पाएंगे तो ये किस में होता है बताओ हो? इंसेक्ट में लेकिन बेटा ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं क्या हम लोग पानी में रह सकते हैं क्या नहीं क्या हम लोग पानी में ब्रीथ कर सकते हैं क्या नहीं क्या रीजन है बेटा वाटर यदि गया तो डेथ तक के हो सकता है तो बेटा फिश की हम बात कर ले मोलुस्का की हम बात कर ले। ओके जो भी या फिर एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स की हम बात कर है ना फीस हो गया मॉलुस्का हो गया या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग एक्वाटिक ऑर्थोपोडा जो है इनकी यदि हम बात करें तो इसमें वेरी गुड पार्थ का और यश का आंसर आ गया है क्या आएगा बेटा गिल्स तो गिल्स की हेल्प से बेटा जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उसमें रेस्पिरेशन होगा तो देखो किस तरह से यहाँ पे फाइनली डेवलपमेंट हुआ है जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को डेवलप किया है वैसे वैसे यहां पर क्या चीज उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फिर जितने भी हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन हम जो देख रहे हैं ना वो डेवलप होते गए ठीक है और हम बड़ा बढ़ा देते लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेप्टाइल की बात कर लो मैमल्स की बात कर लो और कौन बचा बर्ड्स क्या होगा इसमें क्या पानी में रह लेंगे Abs, हाँ बेटा तो इनके लिए जो डेवलप किया गया है वो क्या है बेटा लंग्स समझ तो लंग्स की हेल्प से इसमें क्या होगा रेस्पिरेशन होता है उम्मीद करता हूं होगा ये सारी चीजों को याद रखने के लिए बेटा आप लोगों के लिए मैंने इस तरह से एक टेबल के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट किया हूं ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा ठीक है तो देखो यहाँ पे बेटा आप लोगों को फर्स्टली ये जो दिखाई दे रहा है ये हो गया बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसमें एक तो जनरल बॉडी सरफेस है स्कीन हो सकता है ट्रैकल ट्यूब आ सकती है गिल्स हो सकता है और लंग्स हो सकता है ये कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा किस में किस तरह से होने वाला तो स्पंजेस सिलेंट्रेटर फ्लैट वॉर्म की यदि हम बात करते हैं तो इसमें बेटा डायरेक्टली इनके बॉडी सरफेस से क्या करेंगे ये लोग ब्रीथ करेंगे लेकिन यही चीज़ हम अर्थवॉर्म और फ्रॉग पे यदि आते हैं तो अर्थवॉर्म और फ्रॉग जो है इसमें जो रेस्पिरेशन है वो क्यूटिकल होता है इंसेक्ट में ट्रैकअल ट्यूब बन जाएंगी एक्वाटिक में गिल्स हो जाते हैं और रेप्टाइल और बर्ड्स की हम बात करें बेटा या मैमल्स की बात करें तो इसमें लंग्स का डेवलपमेंट हो गया तो इस तरह से बेटा डिफरेंट टाइप के ये है रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट But, बेटा हमें तो स्टडी जो करना है वो अभी फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हम लोग जो है क्या चीज स्पेशली ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे हाँ बेटा पार्थ ये सारी चीजें हम एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे उसमें हम और डिटेल में जाएंगे ठीक है बुक लंग्स बुक गेल्स बहुत सारी चीजें हैं वो भी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं तो अभी देखिए फिलहाल यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हमको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो पढ़ना है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है वो पढ़ना है लंग्स क्या होता है और इसका रोल क्या होता है ये पढ़ना है स्पेशली बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम आते हैं तो उसमें ट्रैकिया ब्रोंकाई ट्री एलव ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नोज ये सारा पढ़ेंगे फिर हम लंग्स का कर स्टडी करेंगे तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हमें जो स्टडी करना है वो है बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की यदि हम बात करें तो इसमें बेटा एयर जो है फाइनली इसकी हेल्प से एयर लंग्स तक के पहुंच रहा है बेटा ओके अब लंग्स तक के एयर कैसे पहुंचेगा तो लंग्स तक के जो एयर जो पास हो रहा है तो सबसे पहले बेटा नोज नोज में दो होल्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं नोस्ट्रेल्स है ना, ना फिर उसके बाद आता हमारा नेजल चैम्बर ठीक नोस्ट्रेल और नेजल चैम्बर में बेटा आपको म्यूकस हेयर्स ये सब मिलेंगे जो डस्ट पार्टिकल और कोई भी पैथोजन जो है उसको क्या है वही रोक देते हैं हमारे बॉडी में अंदर जाने देंगे क्या नहीं देंगे उसके बाद फिर और हम अंदर आते हैं तो आता है बेटा नाइजल कैविटी नाइजल कैविटी के बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा फिर नेक्स्ट आएगा ट्रैकिया लेकिन डायरेक्ट ट्रैकिया आता है क्या बेटा नहीं डायरेक्ट ट्रैकिया नहीं आता है ओके उसके पहले यहां पे जो आता है वो क्या आता है नेजो फेरिंग्स आएगा फिर आएगा फेरिंग्स ठीक है हाँ वेरी गुड तो देखो बेटा यहाँ पे ये फ्लो चार्ट में आपको बता रहा हूं इसमें आपको समझ में आ जाएगा ओके okay. सबसे पहले तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हो गए ठीक है क्या आ रहा सबसे पहले बेटा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद फिर क्या आएगा बेटा नेजल चैंबर नेजल चैंबर के बाद बेटा इंटरनल नेयर्स इंटरनल नेयर्स की हेल्प से जो है फाइनली जो एयर है वो कहा पहुंची नैजो फेरिंग तक के लिटिल सा फ्लक्चुएशन हो सकता है बेटा ठीक है डोंट वरी सारी चीजें ओके okay अभी तो देखिए एक्सटर्नल नोस्ट्रिल नेजल चेम्बर इंटरनल नेयर्स और नेजो फेरिंग्स फाइनली यहां तक पहुंचते पहुंचते फिर अब क्या आएगा बेटा फेरिंग्स जो कि कॉमन पासिस है फिर आता है बेटा ग्लोटिस ग्लोटिस क्या होता है बेटा बताओ ग्लोटिस क्या है

और एक सामने होगा तो सामने जो ओपनिंग होती है बेटा ये विंड पाइप होता है तो इसकी ओपनिंग जो है ये कहलाता है ग्लोटिस ठीक है इस ग्लोटिस के ऊपर जो ऐसा फ्लैप होता है वो कहलाता है ये होता है बेटा वॉइस बॉक्स क्या होता है ये वॉइस बॉक्स फिर आएगा ट्रेकिया जो फर्दर अलग अलग ब्रांच में कन्वर्ट होके ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री बनाता है तो इस तरह से बेटा यहां पे ये पोर्शन हो गया क्लियर हो गया समझा बेटा थोड़ा सा डायग्राम में भी समझेंगे हम लोग ओके okay. हा तो अब देखिए बेटा ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसकी हेल्प से फाइनली लंग्स तक के जो एयर जा रही है अब देखो डायग्राम से समझते हैं कि सबसे पहले पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो प्रेजेंट है बेटा मींस ओपनिंग्स ठीक है जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पहले तो क्या आता है बेटा नेजल कैविटी आता है ओके okay. क्या आएगा सबसे पहले नेजल कैविटी ये आप कैविटी देख रहे होंगे बेटा नेजल कैविटी के बाद फिर हम आ, और आगे जाते हैं तो आगे जब हम जाएंगे तो बेटा यहाँ पे नेजल कैविटी के बाद ये हो गया नेजो फेरिंग्स और ये वाला पार्ट है फेरिंग्स फेरिंग्स में देखो बेटा आपको दिखाई दे रहा ठीक है थोड़ा जूम करके देखना और अच्छे से समझेगा तो यहाँ पे देखो बेटा इधर से हमारा फूड आ रहा है और इधर से एयर आ रही तो इन दोनों की कॉमन जो पासिस जो है ये होता है फेरिंग्स ओके समझ में आ गया होगा आपको फिर बेटा इधर साइड ये वाला जो पोर्सन आपको दिख रहा है ना ये वाइस बॉक्स है जिसे कहते, फिर ये ट्रेकिया आके आते आते बेटा ये ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो अब जानते हो ट्रेकिया कहां से डिवाइड होता है तो बेटा ये थोरेसिक जो वर्टिब्री होता है थॉरेसिक वर्टिब्री जो होता है ना एट द लेवल ऑफ फिफ्थ

बैकबोन होता है किधर गया यार गया तो है क्या हाँ ये इस तरह से बेटा ये जो हमारा बैकबोन है ना तो हमारा ये जो थोरेसिक वर्टिब्री जो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ना जो हमारा पीछे साइड प्रोटेक्ट करके रख रहा है ठीक है तो उसकी वजह से आप स्ट्रेट रह पाते हो तो वहां से ट्रैक क्या क्या हो रहा है बेटा दो पार्ट में डिवाइड होता है जो थोरेसिक का फिफ्थ नंबर होता है थोरसिक का फिफ्थ नंबर देखो ये जो है ये डिस्प्ले हो रहा है क्या बेटा आप लोगों के पास फास्टली हाँ वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रहा है अभी लिटल से फ्लक्चुएशन आया है मेरे पास देखो आपके पास है कि कुछ हो रहा होगा अभी अभी ओके हो गया ठीक है ना ओके बेटा आपकी तरफ से रिस्पॉन्स करेंगे मेरे साइड से ओके अभी वेरी गुड तो देखिए बेटा यहाँ पर ये जो हम लोग जो देख रहे हैं ये जो है ये क्या बेटा हमारा वर्टिब्रल कॉलम है इस वर्टिव्रल कॉलम को हम देखेंगे बेटा तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये जो नेक रीजन जो होता है ना यहाँ पे जो वर्टिब्री होती है उसको सर्वाइकल कहते हैं जो कितने होते हैं बेटा नंबर में सेवन होते हैं फिर उसके बाद जो है बेटा ये इतना पोर्शन हमारे थॉरेसिक पार्ट में होता है इसलिए इसको थॉरेसिक वर्टिब्री बोलते हैं ये वाला जिसके टोटल नंबर ट्वेल्व है तो नंबर यदि हम यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव काउंट करते ना तो जितने फाइव आएगा ना तो फाइव पे हमारा जो है इस तरह से पहले अभी तक तो ट्रेकि आ रहा था लेकिन फिफ्थ फिफ्थिक वर्टिवली जो होता है उसमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसको ब्रोंकियोल कहते हैं ब्रोंकाई कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई समझ में आ गया बेटा वापस जाते फिर वहीं पे हम लोग जो देख रहे थे ये वाला पार्ट तो यहाँ पे ट्रैकिया जो है किस में डिवाइड हो गया बेटा प्राइमरी ब्रोंकाई में और ये हमारा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ये ये हो गया लंग्स का वाला डायग्राम क्लियर हुआ बेटा सभी लोगों को आगे बढ़े यदि डाउट है तो नो करके रेस्पॉन्स करेंगे फाइनली अगेन एक और डायग्राम से हम समझ लेते हैं बेटा उसी पोर्सन को तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारा नोज नोज से आगे कंटिन्यू हुआ ये फेरिंग्स जिसको हम नेजो फेरिंग्स कहते हैं फिर इधर आएगा बेटा ये हमारा फेरिंग्स ये ओरल कैविटी है तो ये कॉमन पाससेस है फिर इधर ये जो आता है ये पहले वॉइस बॉक्स आता है फिर ट्रैक आता है सॉरी देखो वॉइस बॉक्स को समझ लो पहले ये डायग्राम इस डायग्राम पे क्लियर हो जाएगा जो बेटा ट्रैकिया है ना ट्रैकिया नीचे है इसके जस्ट ऊपर साइड ये आप जो देख रहे हो बेटा ये हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ठीक है ये क्या है हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ठीक है बोल के देखो अला एक बार जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तब हम बोल पा रहे हैं या जब ब्रीथ आउट कर रहे हैं तब हम बोल पा रहे हैं प्रॉपरली कब बोल सकते हैं हम लोग ट्राई करके देखो ब्रीथ इन करके बोल के देखो हो रहा है क्या वेरी गुड है ना जब ब्रीथ आउट कर रहे हैं तब जाके ही हम बोल पाते हैं इसलिए कहते हैं ना बेटा कि खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि जब आप ब्रीथ आउट करेंगे ना तो जो इपीग्लॉटियस होता है ना वो बाहर निकलता है और एयर बाहर होते हुए वॉइस प्रोड्यूस होती है आप बात करोगे तो इपिग्लोटिस तो बाहर आ गया फिर फूड जो है कहा जाके अटक जाएगा हमारे में। हो सकती है की फिर? समझे? तो लैरिंग्स के जस्ट ऊपर साइड यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो क्या है इपिग्लोटिस प्रेजेंट है यहाँ पर जो फूड की एंट्री जो है वॉइस मतलब विंड पाइप में नहीं आने दे रहा है ओके ठीक तो अभी यहाँ पे हम लोग जो है कहाँ पहुंच गए थे वापस से बैक में आते हैं हाँ ये तो अब हम लोग बेटा लैरिंग्स देखते हैं लैरिंग्स बेटा एक कार्टिलेजिनस बॉक्स हो गया जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो बेटा ये जो डायग्राम है ठीक है दोनों भी डायग्राम में आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे ओके अब ये जो लैरिंग्स है एक्चुअली ये कुछ डिफरेंट टाइप के जो कार्टिलेज होते हैं उससे बना होता है जैसे हो 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 गया, cricoid cartilage हो गया, cartilage हो गया, ठीक है भी एक ही है जो बेटा इस लैरिंग्स का ही पार्ट है किसका पार्ट है वो लैरिंग्स का तो ये किससे बना होता तो है तो बेटा ऐसे टोटल नाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं लैरिंग्स में कितने होते हैं बेटा टोटल कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं लैरिंग्स में जिसमें से बेटा नाइन जो कार्ट अब कार्टिलेज क्या होता है जानते हो ना आप कार्टिलेज मींस एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है बेटा ठीक है इसमें हाइलिन कार्टिलेज आता है इसके टाइप्स भी है आगे चल के हम लोग बेटा जब टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे अभी सिर्फ याद रखो ये सपोर्टिव टिश्यू है नाइन में से बेटा थ्री जो होते हैं वो होते हैं पेयर में अब थ्री पेयर में होंगे तो टोटल कितने हो गए सिक्स और थ्री जो होते हैं वो होते हैं अनपेयर अब थ्री अनपेयर होगा तो ये कितना हो गया थ्री सिक्स तो प्लस थ्री तो टोटल कितना आ नाइन। समझ में आ गया ठीक है यदि आपका नेटवर्क डाउन होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा सा रुक जाता हूं यदि आपको वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा होगा तो अभी देखेंगे नो ओके यदि ओके है तो हम कंटिन्यू करते हैं नो no प्रॉब्लम नहीं है बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ लोगों के साथ जिसके साथ प्रॉब्लम प्रॉब्लम है है एक बार कर लो मेरे साथ इससे कोई नहीं है। चलो कंटिन्यू करते हैं बेटा हम लोग आगे का पोर्शन तो कार्टिलेज की हम बात कर रहे हैं बेटा तो कार्टिलेज में थ्री पेयर्ड और थ्री अनपेयर्ड जो है तो इसमें पहले आता है बेटा फर्स्ट थायराइड कार्टिलेज कौन सा बेटा थायराइड कार्टिलेज, थायराइड जो है ये कैसा होता है बेटा ये होता है सिंगल ठीक है कैसा होता है बेटा ये होता है सिंगल लार्जेस्ट होता है और कैसा दिखता है बेटा जस्ट लाइक ए सी, सिर्फ तीन पॉइंट याद रखो जो बता रहा हूं ना वही पॉइंट याद रखो डायग्राम देखो वापस से ये देखो बेटा इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे ये जो थायराइड कार्टिलेज आपको जो दिखाई दे रहा है दिख रहा है क्या बेटा कार्टिलेज वाला पार्ट रिपीट कर दू वॉइस कट हो रही थी ठीक है बेटा हाँ बेटा गुड हम्म तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग लैरिंग्स पढ़ रहे हैं लैरिंग्स जो है बेटा कार्टिलेजनस बॉक्स होता है कार्टिलेजनस बॉक्स में टोटल बेटा नाइन पेयर ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जिसमें से बेटा थ्री पेयर में होते हैं सॉरी नाइन कार्टिलेज होते हैं नाइन पेयर नहीं नाइन कार्टिलेज होते हैं जिसमें थ्री जो होते हैं वो पेयर में होते हैं और थ्री जो होते हैं वो अनपेयर होते हैं जिसमें फर्स्ट बेटा आप जो तो देख रहे हो वो है थायराइड कार्टिलेज ये बेटा सिंगल है देखो ये इतना बड़ा जो आप देख रहे हो ना ये यहाँ पे ये व्हाइट कलर का जो डायग्राम दिख रहा है इतना बड़ा एक कार्टिलेज है ठीक है ये इस तरह से मतलब जैसे ये एक पाइप है ना तो पाइप को ऐसा प्रोटेक्ट करके रखा है एक साइड से तो ये जस्ट लाइक जस्ट सी लाइक स्ट्रक्चर है ये ठीक है समझ में आ गया तो ये सी के समान एक स्ट्रक्चर होता है जो कहलाता है बेटा थाइड कार्टिलेज ओके okay, थायराइड के बाद नेक्स्ट आता है बेटा क्रिकॉइड कार्टिलेज तो ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज ये भी अकेला एक सिंगल दिखाई दे रहा है देखो यहाँ पे इस तरह से ठीक है क्रिकॉइड कार्टिलेज ये एक रिंग के समान है एक दूसरे डायग्राम में समझाता हूँ और भी अच्छे से समझेगा बेटा जस्ट लाइक एज अ रिंग होता है बेटा ये वाला डायग्राम देखो हाँ देखो बेटा ये ये जो है ये कलर चेंज कर लेते हैं ये ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना ऐसा ये पीछे चॉकलेट कलर का जो है ये है बेटा थायराइड कार्टिलेज उसके जस्ट अपर पोर्शन पे है भी भी एक कार्टिलेज है 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 जो सिंगल होता है। भी सिंगल होता थायराइड और क्रिकॉइड भी सिंगल है देखो ये येलो कलर का जो अंदर दिखाई दे रहा है एक रिंग के समान दिख रहा है बेटा तो क्रिकॉइड भी क्या हो गया ये रिंग के समान सिंगल है इसके बाद देखो एरेटीनोइड एरेटीनोइड ये है देखो ये पेयर में एरेटीनोइड कार्टिलेज दिख रहा है कौन सा ये वाला और उसके बाद ये वाला जो है यहाँ पे कार्निकुलेट है जो पिरामिड के समान दिख रहा है ना उसके ऊपर दो चोच दिख रही होंगे डॉट डॉट वाले समझे तो आपको इतने ही याद रखना है जो जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं वापस से आते बेटा क्या देख रहे थे हम लोग एक तो थायराइड कार्टिलेज जो सिंगल लार्जेस्ट सी समान होता है उसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा क्रिकोइड कार्टिलेज जो अगेन बेटा सिंगल सिंगलेट रिंग के समान है बेटा जो थायराइड कार्टिलेज के जस्ट बिलो में होता है ओके okay, उसके बाद नेक्स्ट आता है एरेटिनोइड कार्टिलेज ये पेयर में होता है बेटा जो पिरामिड के समान जो बताया था ना मैंने ये होता है एरेटिनोइड कार्टिलेज ठीक है और एक होता है बेटा कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी ठीक है जो एंड ऑफ एरेटिनोइड कार्टिलेज जो है ना जहां पे प्रेजेंट होता देखो ये वाला एंड ऑफ क्या कह सकते हैं जो पिरामिड वाला था कौन सा था पिरामिड वाला एरेटिन उसके एंड में जो होता है ये जिसको जिसकोलेट भी कहते हैं कॉर्निकुलेट या फिर कार्टिलेज ऑफ सेंटेनी ओके ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है लैरिंग्स में कितने कार्टिलेज होते हैं थोड़ा सा आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया ठीक यदि आप चाहो तो इस पोर्शन को डाइजेस्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है डाय नहीं हो रहा है तो डरने की नीड नहीं है बेटा थोड़ा सा additional portion है क्योंकि ये वाला पोर्सन समझ में आ गया होगा बेटा किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रिस्पॉन्स करेंगे ताकि हम आगे कंटिन्यू करें नेक्स्ट पोर्सन ट्रैक किया हम लोगों को स्टडी करना है अभी एवरीथिंग इज क्लियर बेटा चलो बढ़िया ग्रेट नो प्रॉब्लम डन यस सर चलो बहुत बढ़िया अभी हम लोग बेटा नेक्स्ट पोर्सन जो है वो हम देखेंगे ट्रैकिया अब ट्रेकिया की यदि हम बात करें बेटा तो पहली चीज तो ट्रैकिया जो है आप जैसे ये देख रहे हो तो ट्रैकिया इस तरह से जो स्टार्ट हुआ बेटा इस तरह से बेटा इनकम्प्लीट जो है रिंग सी के समान एक स्ट्रक्चर होता है ये भी कार्टिलेजिनस रिंग होती है बेटा जो ट्रैकिया को प्रोटेक्ट कर रहा है समझ गए अब ट्रैकिया को ये प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसका लेंथ कितना है पहले चीज तो हमें ये मालूम होना चाहिए तो टेन से लेके बेटा ट्वेल्व कितना टेन से लेके ट्वेल्व वो भी किसमें सेंटीमीटर में है तो टेन से लेके ट्वेल्व सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ट्रैकिया एक पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखना है जो कहाँ प्रेजेंट है बेटा मिड कैविटी में प्रेजेंट होता है ठीक है अब इस ट्रैकिया में बेटा जैसे हम लोगों ने ये जो देखे ये जो रिंग है ये कितने होते हैं एग्जाम में ये पूछा जाता है तो 16 से लेके बेटा 20 तक के के जो रिंग है इसमें प्रेजेंट होती है 16 20 C से रिंग होती है होती है है ये भी कैसी बेटा कार्टेलेजिनस रिंग काम क्या है बेटा इसका अब देखो आपने ब्रीथ आउट की है तो ट्रेके यदि सिकुड़ गया तो ब्रीथ इन करना बहुत हार्ड जाएगा ना और इजिली बेटा उस ऑक्सीजन को अंदर तक पहुंचाने में भी आपको एनर्जी लगेगी तो बेटा ये जो कार्टेजनस रिंग जो है ना ट्रैकिया कोलेब्स होने से प्रिवेंट करता है समझ गए तो इस तरह से बेटा इनकम्प्लीट जो रिंग होती है सी लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो कहलाता है ट्रैकिया तो डायग्राम में देखते बेटा जैसे कि आप ये देख रहे हो तो ये ट्रैकिया का डायग्राम है ओके अब ट्रैकिया में मैंने आपको थोड़ी देर पहले अगेन एक और चीज बताया था बेटा ट्रैकिया आई, आई 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 और आगे चल के ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गई कहां से डिवाइड होती बताओ कहां पे डिवाइड होगा ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्री। तो ट्रैकिया जब डिवाइड होती है डिफरेंट ब्रांच में तो वो क्या कहलाएगा बेटा प्राइमरी ब्रोंकस क्या कहलाएगा प्राइमरी ब्रोंकस कहलाता है ओके okay. फिर ये आगे और कंटिन्यू डिवाइड होगा तो जिसको बेटा टर्मिनल ब्रोंकियोल कहते हैं जो आगे चल के ब्रॉन्क्यूल ट्री बनाता है ओके okay, तो वो क्या क्या लाएंगे बेटा ब्रोंकिल ट्रे जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो ट्रैकिया पहले डिवाइड हो रहा है और आगे चल के फर्दर डिवाइड हो रहा है और फर्दर डिवाइड होते 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 बेटा इस तरह से ठीक है ये तो आपको मैंने लोकेशन बताया था कहां पर है ये समझा दिया डायग्राम तो इस तरह से बेटा कंटिन्यूसली डिवाइड होते होते ये फाइनली इस तरह से ब्रॉन्कील ट्री बनाएगा बेटा जो ज्यादा से ज्यादा एयर जो है ब्लड में क्या करेगा बेटा इस तरह से पास करेगा समझ में आ गया अब जब हम ब्रीथ कर रहे हैं बेटा तो हमने नोज से लेके यहां तक के का जो है ब्रीथ किए तो इतना जो ब्रीथिंग है इसे कहते हैं बेटा कंडक्टिंग जोन कंडक्ट कर रहा है ना ये तो ये जो है बेटा ये क्या कहलाएगा कंडक्टिंग जोन कहलाएगा ठीक है कंडक्ट कर रहा है एयर को लेके आ रहा है फिर यहां पे बेटा ये जो है इधर ब्लड है अब ब्लड सेल्स में ये आपस में एक्सचेंज होगा तो इसे कहते हैं बेटा एक्सचेंज जोन या फिर में देख लेते हैं टू एक तो जोन दिख रहा है हमको दूसरा एक्सचेंज जोन इट इज ऑल्सो एज रेस्पिरेटरी जोन तो ध्यान देंगे बेटा यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है वो क्या है बेटा कंडक्टिंग जोन जहां पे सी लाइक स्ट्रक्चर है कार्टिलेजिनस रिंग ठीक है तो देखो क्या क्या आ रहा है एक्सटर्नल नोस्टिल दिख रहा है आपको नेजल चेम्बर दिख रहा है नेजो लैरिंग प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्सरी सेगमेंटल टर्मिनल ब्रोंकाई तक के ये इतने ब्रोंकाई को सभी को मिला के बेटा ब्रोंकियल ट्री कहते हैं क्या कहते हैं इसे ब्रोंकियल ट्री समझ में आ गया उसके बाद आता है डक्ट और डवेलाई वाला जितना भी पोर्शन है वो आता है एक्सचेंज जोन में जिसे रेस्पिरेटरी जोन भी कहते हैं और फाइनली जो है उससे क्या है जो एयर है वो कहां पहुंचेगी बेटा हमारे ब्लड में पहुंच जाएगा तो इस तरह से टू जोन है बेटा एक्सचेंज जोन मेन है है बेटा बेटा जहां पे एक्चुअली डिफ्यूजन हो रहा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का और कंडक्टिंग जोन बेटा जो क्या कर रहा है फॉरेन पार्टिकल को मारते हुए एयर को ह्यूमिड ह्यूमिड करते हुए हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एयर को बनाता है और विदाउट

कि कैसे लाइसोजाइम एससीएल ये सारे सब्सटेंस जो है वो जम्स को किल कर रहा है लेकिन बेटा एयर के हेल्प से यदि यदि जाएंगे तो हाँ बेटा नोज में हेयर्स होते हैं म्यूकस होता है एयर को वार्म किया जाता है फाइनली फिल्टर होके एयर हमारे बॉडी में एंटर करती है इसलिए कहते हैं ना माउथ से ब्रीथ नहीं करना है ब्रीथ जो है नोज से ही किए जाने चाहिए क्योंकि माउथ से ब्रीथ किए बेटा आपने तो डायरेक्टली ब्रीथिंग माउथ के थ्रू हुआ तो जम्स भी आपके बॉडी में इंटर कर जाएंगे इसलिए ब्रिथ नोज से होगा तो जम्स इंटर नहीं करेंगे और फूड बेटा माउथ से खाएंगे तो अच्छी तरह चबा के खाएंगे तो बैक्टीरिया लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया को वहीं पे किल कर देगा तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी प्रोसेस होती है उम्मीद करता हूं ये वाला पोर्सन समझ में आया होगा आपको सभी को ओके बेटा क्लियर हो गया अब आगे का पार्ट है बेटा लंग्स अब लंग्स मैंने स्टार्ट किया तो

क्वेश्चन रहेंगे नाइनटी क्वेश्चन बायो के रहेंगे बेटा नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम ही उसमें आ रहा है एनसीआर बेस्ड रहेगा थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है मॉड्यूल से रिलेटेड आ सकते हैं ठीक है तो आप लोगों को रेडी रहना है और अच्छे स्कोर लेके आना बेटा रैंकिंग भी मिलती है जितना भी अब तक के जो स्टूडेंट जो रहेंगे ना आपके ऑल बैच के उनके जो टेस्ट होगा तो उसमें बेटा सभी लोगों का वहां पे बेस्ट परफॉर्मेंस देखा जाएगा रैंकिंग आपको मिलेंगी ओके नो डाउट क्लियर है सारी चीजें यस नो डाउट ओके सिक्स क्या बेटा पार्थ सिक्स कार्टिलेज इन ट्रैक क्या, क्या पूछना चाह रहे हो नहीं समझा मैं ओके किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा बेटा पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को ठीक है पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और एनसीईआरटी भी मैं शेयर कर देता हूं यदि किसी को नहीं मिला होगा तो एनसीईआरटी का पीडीएफ जो है इस चैप्टर का मैं शेयर कर दूंगा बट आप लोग मुझे क्या चीज टैक्स कर देना बेटा निधि राइटिंग का नीड नहीं है कुछ प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में पूछो अदरवाइज रेज करो रेज कीजिए ताकि आपको कुछ डाउट है तो आप पूछो और मैं आपको एक्सप्लेन करूँ नहीं ये डाउट तो फाइनली बेटा आज का ये क्लास जो है हम लोग यही एंड करते हैं और आगे का पोर्शन बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे चलो ओके बेटा फिर बाय बाय थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग <्याँगाए> okay, थैंक्स नाइस डे कुछ अपडेट्स बेटा ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं पोस्ट कर दूंगा और बाकी के जो अपडेट्स है इस वेबसाइट पे पोस्ट कर दूंगा जहां पे आपको वीडियो और पीडीएफ मिल जाएंगे और फाइनली बेटा आपका जो ऑफिशियल ग्रुप है व्हाट्सअप पे उस पर भी आपको मिल जाएगा यदि बाई चांस कभी नहीं मिलता है तो आप लोग एक बार इस चैनल पे विजिट कर लो जिन्हें नहीं मालूम है मैं उसे अगेन बता रहा हूँ या फिर इस वेबसाइट पे विज़िट कर लो जहाँ पे ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक सिंगल क्लिक पे आप लोग सारी चीज़ें आपको मिल सकती है ओके okay, यदि पीडीएफ मिला है बेटा तो पीडीएफ पे हाइपर लिंक किया हुआ पोर्शन है यहाँ पे भी जाके आप कनेक्ट हो सकते हो सारे क्वेरीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी ओके okay, चलो बेटा थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय हैव अ नाइस डे इंस्पायरिंग माइंड इंस्पायरिंग लाइफ सी यू अगेन